नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन की 86 में। और आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान। जी हाँ बच्चों, ये है टॉपिक जीके का, जनरल नॉलेज का। और आप यहाँ देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, या फिर कह लें हम कि क्वेश्चन जो है रेलवे से रिलेटेड है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जीके, SSC में पूछे जाते हैं जीके, और CPO में। इनफैक्ट अभी यूपी पुलिस का बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हैं या फिर बिहार पुलिस का जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं, वो लोग सभी इस वीडियो को देखें। और जीके का जो क्वेश्चन है वहां से बहुत ही ज्यादा आपका मैच कर सकता है। तो बच्चों, जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को और शेयर करें वीडियो को, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जा सके जो इन सब की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के जो भी बंदे हैं जिन्होंने फॉर्म डाला है इसका और CPO का। ठीक है, तो वो प्लीज देखें। इनफैक्ट रेलवे और SSC की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी जरूर देखें इस वीडियो को पूरा। ठीक है, तो हम टॉप 100 जो वन बाई वन सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे सिनारियो में। तो चलते हैं, देखते हैं हम हमारा क्वेश्चंस क्या है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि प्राप्त होती है? तो बच्चों, आंसर है इसका 50 डेसिबल। ठीक है, 50 डेसिबल। और नॉर्मल इंसान को अगर पूछे कि सुनने के लिए कितने डेसिबल तक की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 20 to 50 डेसिबल। जी हाँ, 20 to 50 डेसिबल तक ध्वनि हम सुन सकते हैं। ओके, अगला सवाल है हमारा कि भारत में किन राज्यों को 7 बहने कहते हैं? भारत में किन राज्यों को 7 बहने कहते हैं? तो वो है पूर्वी भारत के राज्यों को। जी हाँ बच्चों, पूर्वी राज्य जो कहने का मतलब है कि हमारा पूरा का पूरा ईस्ट रीजन, यानी कि असम, मणिपुर, ठीक है, और जितने भी नॉर्थ एरिया के हमारे हैं, यहाँ जो भी इस, अगर ये इंडिया का मानचित्र ऐसा कुछ बने, ठीक है, देखिए अगर सही बन पाए तो ठीक है। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसमें टोटल 7 स्टेट हैं। ठीक है, जिनको 7 बहनों का राज्य कहते हैं, वो है पूर्वी क्षेत्र, इसमें कि आपका असम है, मणिपुर है, फिर नागालैंड है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ऐसे मिलकर बहुत सारे पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं, टोटल 7। ठीक है, तो ये है पूर्वी भारत के राज्य। बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। चलिए, तो अगला हमारा सवाल है बच्चों कि स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो बच्चों ये सभी को पता होना चाहिए, ये थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान लिखा था। ठीक है, तो ये कानून मंत्री भी थे स्वतंत्र भारत के। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो वो है एमी पुरस्कार। जी हाँ, एमी पुरस्कार जो है सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है अमेरिका का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। इटली के एकीकरण, ठीक है, एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरिबाल्डी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभी जिन जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको ये सारे क्वेश्चन मिल सके और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहें। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नोटेबल है और इम्पोर्टेंट भी है, ये हमारे SSC CGL में पूछ चुका है एग्जाम में। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना? चलिए, राष्ट्रपति का आप भी चुनाव कभी अगर लड़े तो आपकी उम्र कम से कम न्यूनतम जो होती है वो 35 साल होनी चाहिए। जॉली व्यास, ठीक है, जॉली व्यास किस द्वीपीय समूह का एक द्वीप है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछता है, ये भूगोल से क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो जीके में क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आपको मैं ऐसे, ये पार्ट टू है,
100 हमने एक पार्ट कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो हमारे जीके के फोल्डर में जाके प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जीके का फोल्डर है, वहाँ पे आपको मिलेगा टॉप 100 का एक पार्ट, पार्ट 1, ठीक है, टॉप 150 का भी एक पार्ट मिलेगा और टॉप 200 का भी एक पार्ट मिलेगा। और ये जो मैं आज दे रहा हूँ आपको, ये टॉप 100 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ओके चलिए बच्चों, हमारा अगला सवाल है कि भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो ये है विज्ञान के क्षेत्र से। ओके याद रखिएगा, भसीन पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र से है और साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे सर्वोच्च माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुआओं के अवशेष मिले हैं, तो वो मोहनजोदड़ो के समय की सभ्यता में मिले हैं। जी हाँ, कुआओं कुओं यानी कि जो वेल होता है हमारा, ठीक है, कुआं होता है, उसके अंदर जो घरों के अंदर ये कुआं थी उसमें से अवशेष मिले थे मोहनजोदड़ो की खोज में। ओके अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, उपबंध संविधान के किस क्षेत्र में, देखिए अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, ये अनुच्छेद 263, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है आपके राजनीति से, पॉलिटी से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मनुष्य ने स्थायी आवास बनाना किस काल में सीख लिया था या प्रारंभ किया था, तो वो है नवपाषाण काल में। ओके किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया है, तो शेरशाह सूरी ने। इसके बारे में अगर जानना हो तो हमारे चैनल पे हिस्ट्री का भी क्विज, हिस्ट्री के बारे में वीडियो है, वहां जाके शेरशाह सूरी के बारे में एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं, तो ये टोटल 12 जोड़े होते हैं। ये लाइफ साइंस से क्वेश्चन है, देखिए हर टॉपिक से क्वेश्चन जीके में पूछ सकता है, ठीक है, ये कोई बच्चा नहीं कहे कि हिस्ट्री का नहीं क्वेश्चन आएगा या लाइफ साइंस का नहीं आएगा, जीके में कुछ भी पूछ सकता है, हिस्ट्री हो, लाइफ साइंस हो, ज्योग्राफी हो, या आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। ओके चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है, तो 170वें, ठीक है, 170वें अनुच्छेद में संविधान के अनुच्छेद का विधानसभा में एक गठन वर्णित है। ओके चलिए अगला सवाल हम देखते हैं बच्चों कि कोयल किस राज्य का राजकीय पशु पक्षी है, ठीक है, तो ये है झारखंड का। जी हाँ, झारखंड में कोयल को राजकीय पक्षी का उपाधि दिया गया है। अगला हमारा सवाल है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो ये है अवंतिका। जी हाँ, ये नाम सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार ने, ठीक है, बिंदुसार ने इनका नाम रखा था अवंतिका, ठीक है, उज्जैन का। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो तमिल है। सबसे पुरानी जो भाषा होती है द्रविड़न की, द्रविड़न कौन है, जो ओरिजिनली यहाँ के इंडियन होते हैं, जो भारतीय हैं वो द्रविड़ियन होते हैं, ठीक है, तो ये इनकी जो मूल लैंग्वेज है वो भाषा है वो तमिल है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, तो वो है निकेल, ठीक है, निकेल है इसके केंद्र में, पृथ्वी के चुंबकीय पदार्थ के रूप में। अच्छा अगला सवाल है कि किस सूफी संत को सुल्ताने तारिकीन की उपाधि दी गई थी, तो वो थे शेख हमीरुद्दीन नगौरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आ चुका है और ये पीसीएस में भी पूछ चुका है, एमपीपीएसपीसी में, ठीक है, एमपीपीएससी में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अगला हमारा सवाल है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो लॉर्ड एनल बरे, ठीक है, एनल बरो के समय में, जनरल के कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो चुका था। सिंध एक्चुअली क्या पाकिस्तान में है अभी, और इसका कुछ पार्ट हिंदुस्तान में भी है, तो ये उस समय ब्रिटिश का साम्राज्य में शामिल हुआ इनके कार्यकाल में, लॉर्ड एलन बरो के। अगला है कि किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तक कर दी है, तो वो है लॉर्ड रिपन,
एग्जाम्पल है ये, सॉरी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको नोट कीजिएगा। लॉर्ड रिपन ने, वायसराय ने सिविल सर्वेक्षा परीक्षाओं को प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार खरीदकर भारत कौन लाया था? तो यह है डॉक्टर विजय माल्या। जी हाँ, विजय माल्या, जिन्होंने अब जिनका अभी एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है और ये भारत के बहुत सारे जो बैंकों से लोन लेकर गबन कर चुके हैं और ये इंडिया से अभी बाहर है और इन पर बहुत ही बड़ा मुकदमा चल रहा है फ्रॉडिंग का। याद रखिएगा विजय माल्या, जो कि किंग फिशर के भी मालिक रह चुके हैं। ओके, तो अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो पंजाब में। क्यों? क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा खेती होती है, इसलिए वहां पे वन का जो संख्या है बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर है। एलोरा के विख्यात गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो वो है वमशण प्रथम ने। जी हाँ, वमशण प्रथम ने एलोरा की विख्यात गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला हमारा सवाल है कि किसे धारा वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो वो है ध्रुव को। ठीक है, प्रहलाद के पुत्र ध्रुव को धारा वर्ष के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत है, एटलीस्ट टोटल 100 क्वेश्चन है, तो हमें स्पीड मेंटेन करना होगा। इसलिए जो बच्चे को जहाँ कुछ किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो प्लीज वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका आंसर वहां कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए अगला हमारा सवाल है कि किस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है? तो कश्मीर की घाटी को इंडिया का या भारत का या पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहां का, जाइए वहां पे देखिए, घूमिए। ठीक है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन हमारा जो है वो पार्ट ऑफ बॉडी है, बट कंट्रोल ऑफ टोटल बॉडी है। ठीक है, वो वहां से हम अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, किससे? ब्रेन से। संघ सूची, राज्य सूची एवं समावर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट कीजिएगा। 7th, ये 7वीं अनुसूची में है संविधान के। ओके, संघ सूची जो कि हमारे आरएसएस है, राज्य सूची जो कि हमारा राज्य तंत्र है, और समवर्ती यानी कि जो लोकतंत्र है, इसका उल्लेख संविधान के 7वें अनुसूची में किया गया है। इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? ये इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं जे एन दीक्षित। ओके, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है और बुक को पढ़ भी सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अवेलेबल है। कार्ले के चैत्य का निर्माण किन्होंने कराया? तो सातवाहनों ने। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ होती है सबसे ज्यादा कॉफी? तो केरल में। जी हाँ बच्चों, केरल में सबसे ज्यादा कॉफी की खेती होती है, और चाय की तो असम में। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक होनी चाहिए। धुआंधार जल प्रपात किस राज्य में होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश में। क्यों होता है? तो ये जो है हमारा धुआंधार जल प्रताप जो है, मतलब कि बहुत ही तेज वर्षा जो होती है वो यहाँ मध्य प्रदेश में होती है, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है टोटल, तो इसलिए होती है। ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ड्यूज बॉल होता है उनका, इस बॉल से खेलते हैं। मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो मुंशी प्रेमचंद। मालिक मुदम्मद जायसी किस शासक के दरबार में रहता था? तो शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी लें। बिस्मिल्ला खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो शहनाई से। बिस्मिल्ला खान बहुत ही बड़े शहनाई वादक थे, तो इनको आज भी याद किया जाता है, अभी हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक है, केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो ईश्वर का अपना देश। केरल के पर्यटन विभाग का एक
टैगलाइन है उसे कहते हैं ईश्वर का अपना देश केरल। भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है वीणा, यानी कि जो हमारे सरस्वती देवी हैं उनके हाथ में जो वीणा है उसकी बातें हो रही हैं। चलिए, लघु ज्वर के समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की क्या स्थिति होती है? तो समकोणिक होती है ये तीनों, ठीक है। लघु ज्वार जो होता है, जो ज्वार उठता है समुद्र में, उस समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणिक होती है, एक समान कोण में होती है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1985 में की गई है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बीपीएससी का भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नामकरण किया था? तो वो है स्वराज द्वीप। जानवरों के सूक्ष्म जीवों के वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो परतदार चट्टान में। चलिए, भारत मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ये देखिए, ये चारों क्वेश्चन जो है, ये बता दूं कि ये एसएससी सीजीएल में 2014, 2015 और 2009 के पेपर में ये पूछा गया है चारों क्वेश्चन, ओके। चलिए, अगला हमारा सवाल है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील होगी, यह कथन किसने कहा है? तो लाला राजपत राय का कथन है ये, ओके। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील होगी, बहुत ही अच्छा लाइन था, ठीक है, इन्होंने लाला लाजपत राय ने बोला था। संविधान ने किस प्रकार समिति का अध्यक्ष चुना? किसको किसको चुना? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान के रचयिता है। किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन होता है? तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है बच्चों। कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में किन दो दलों में विभाजित हो गया? तो एक नरम दल में और एक गरम दल में। जी हाँ, कांग्रेस 1907 में ही पहली बार डिवीजन हुआ था, ये याद रखिएगा, ये बात नोटेबल है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक नरम दल में और एक गरम दल में, ठीक है। नरम दल को चलाते कौन थे? तो महात्मा गांधी के आदेश पर वो कांग्रेस के लोग थे। और गरम दल में कौन से लोग थे? तो भगत सिंह जैसे लोग थे, जैसे भगत सिंह तब तक इनका जीवन काल का बहुत ही उग्र समय था ये, जब ये गरम दल थे, इसमें चंद्रशेखर आजाद भी लीड करते थे, ठीक है। बाकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग। जी हाँ, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वस्त्र का उद्योग। किस पंचायत पंचवर्षीय योजना का नारा योजना काम और उत्पादन था? तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है, ठीक है। तो जब से 1947 से लेकर अभी तक का हर 5 साल के डिफरेंस पे एक पंचवर्षीय योजना चेंज होता है हमारा, ठीक है, तो ये काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में, ओके, वियना एक कंट्री है, तो वहां ओपेक के मुख्यालय है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना जताई गई है? तो वो है मंगल ग्रह पे। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, किसी भी संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अभी हमारे कौन है प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र दास मोदी। भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए बच्चों। और राष्ट्रपति का बताया मैंने, तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति का, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, 21वें राष्ट्रमंडल के खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो 2018 में, ये करेंट का अफेयर भी है, ठीक है, और ये पूछेगा क्वेश्चन, 21वें हो रहा है ये राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, जो कि 2018 में अभी हुआ था, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, ये नोन है सभी को, इंडिया में 5 साल का ही होता है, ठीक है। थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? तो ये किरचॉफ्स लॉ पे कार्य करता है, किरचॉफ्स लॉ फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए,
भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के, याद रखिएगा जनसंघ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, कौन सी देश अंगुली नुमा झीलों के लिए लोकप्रिय है? अंगुली नुमा झीलों के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है? तो वो है फिनलैंड, ठीक है। चलिए, बाबर की तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा का नाम क्या था? तो तुजुके बाबरी, ठीक है। ये बाबर की तुर्की भाषा में, इसको बाद में फारसी में ट्रांसलेट कराया गया था, फिर हिंदी में भी और उर्दू में भी ट्रांसलेट कराया गया था इसे, ठीक है, संस्कृत में शायद, आई थिंक। फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर। ओके, पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो ये डेट याद रखिएगा 19 जुलाई 1969। जी हाँ, 69, 1969, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साइमन कमीशन द्वारा शिक्षा में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति का स्थापना की गई थी? तो हॉटेक समिति। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? तो रेड इंडियन, ठीक है, रेड इंडियन, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है। और वेस्ट इंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिकन कंट्री में ही, और वेस्ट इंडिया जो है वहां के लोगों को भी रेड इंडियन कहा गया है ना, रेड इंडियन कहा गया है। ओके, असम का चैतन्य किसे कहा गया? तो शंकर देव जी को कहा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये तीन, यानी कि त्रिस्तरीय ये पंचायती राज व्यवस्था थी, ठीक है। पनियान और इरुला जनजातियां किस राज्य में के निवासी निवास करते हैं? तो ये केरला के। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पनियान और इरुला, ये दोनों पूछता है क्वेश्चन। यह संभव है, अगला क्वेश्चन है, यह संभव है तिहाड़ जेल से संबंधित यह वमति किसकी रचना है? तिहाड़ जेल से संबंधित है यह संभव है, ये पुस्तक है, तो ये किरण बेदी जी ने लिखी है, जो कि अभी कुछ दिन अभी ये आप यानी कि आम आदमी पार्टी की नेता भी रह चुकी थी, और फिर बाद में ये बीजेपी ज्वाइन की। 73वें संविधान संशोधन किसने संबंधित है? तो पंचायती राज से। शिवाजी के राज पुरोहित कौन थे? तो गंगा भट्ट थे। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो ये 20 यानी कि 20 स्तंभों पर स्थापित है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश भारत है। जी हाँ, उत्पादक यानी कि सबसे ज्यादा जो खेती होती है यहाँ पे भारत की चाय की, जो भारत में होती है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के निर्वाचन आयोग चुनाव का आयोग वर्णित है? तो 324 अनुच्छेद। किस मुस्लिम शासक के सिखों पर देवी लक्ष्मी का अवमित बनी है? तो मोहम्मद गौरी के। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा है। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरला है। चाय सॉरी कॉफी भी वहां सबसे ज्यादा उपजती है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का क्या आधार है? तो भारत की जनता यानी कि लोकतंत्र यानी कि जनतंत्र, ठीक है। सरस्वती सम्मान कब प्रारंभ किया गया? तो 1991 में। ये सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य से रिलेटेड है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्षों के लिए। ओके, याद रखिएगा, 356 धारा जो है ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसमें होता है, और ये सबसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। विश्व के सबसे लंबे, देखिए अगर दर्पण के बारे में नॉलेज लेना है तो आप हमारे फिजिक्स के क्विज देख सकते हैं, वहां पे एक मिरर से रिलेटेड यानी कि दर्पण से रिलेटेड एक वीडियो डाला गया है, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहां पे हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में फिजिक्स में जाइएगा, वहां पे ये चैप्टर आपको
मिलेगा दर्पण का, वहां से आप देख सकते हैं। और हिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराए गए हैं मुगल शासक के, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में। और पर डे हमारे चैनल पे करेंट अफेयर दिए जा रहे हैं, वहां से आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको पर डे का करेंट अफेयर हमारे से मिल सके। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कोनियन पाए जाते हैं बेरिंग सागर में, ठीक है। महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व। भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो भारती, ठीक है। किसने सती प्रथम, सती प्रथा है ये, सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से लगवाई थी, तो राजा राम मोहन राय ने, है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा, ये देखो 35 बार दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है, तो सिलोन, ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। गन्ना में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, ओके। शनि के उपग्रह टाइटन, चंद्रमा है ये शनि ग्रह का, रंग कैसा है, तो ये ऑरेंज कलर का है ये, ठीक है, जो वहां का चंद्रमा है ये ऑरेंज कलर का है। वह पदार्थ जो एक प्रकार के परमाणुओं से बना है क्या कहलाता है, तो ये एलिमेंट यानी कि तत्व कहलाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार पुस्तक सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है, ये दिल्ली में होता है, मनाया जाता है दिल्ली के, दिल्ली स्टेट में। झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टेट का दिवस याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बच्चों। चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण होता है, तो शमांग मिश्रण। हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया, तो हुसंग शाह ने, ठीक है। और लेक्सिकोग्राफी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी से है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय भाषाओं में कौन सी विश्व में अधिकतम बोली जाती है, तो भारतीय भाषा विश्व में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। हल्की मुद्रा स्फीति किस प्रकार के देशों के लिए टॉनिक का कार्य करती है, तो विकासशील देशों के लिए टॉनिक का काम करती है हल्की मुद्रा स्फीति यानी, ठीक है। किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का प्रावधान वर्णित है, अनुच्छेद 40 में, ठीक है, पंचायत के बारे में सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। कादंबरी और पार्वती परिणय किसकी रचनाएं हैं, तो बाणभट्ट। और आखिरी सवाल है बच्चों, महाभारत कितने पर्वों की रचित महाकाव्य है, तो ये 18 पर्वों के महारचित महाकाव्य है। तो बच्चों हमारे साथ आज बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चन मिल सके जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगले वीडियो में हो सकता है कि टॉप 100 फिर से लेकर आए, क्योंकि अभी जो यूपी पुलिस का फॉर्म आया हुआ है, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड, जो पुलिस के बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए, इनफैक्ट एसएससी का तो एग्जाम होने वाला है और रेलवे का भी, तो इन सब की तैयारी के लिए ये जीके जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए जीके का क्विज हमारे चैनल पे अभी पर डे लगातार चलेगा इस हफ्ते, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए एजुकेशन की 86 पे, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।